चार धाम की यात्रा और जनता से सीधे संवाद और 2022 इलेक्शन पर मेरी सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। मैं कई जगह का दौरा कर रहा हूँ, उमा मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल, और अभी मैं जिस जगह पर हूँ रुद्रप्रयाग जिला, अपने आप ऐसे जिला जिसकी जगह तीनों जगह पहले पड़ती थी, पौड़ी और टिहरी और चमोली, और वर्तमान में अभी रुद्रप्रयाग बिल्कुल अलग जिला है। और जब मैं सर्वे कर रहा हूँ, कई जगह का दौरा कर रहा हूँ गाँव से लेकर तमाम, तो गाँव के दौरान और मेरी दौरे के दौरान मुलाकात होती है माननीय माधवर सिंह कंडारी जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा रहे हैं। 90s के दौरान पर्वतीय विकास मंत्री रहे आप, और साथ में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, कई सरकारों में आपने काम किया, कई मंत्री पद से लेकर के और पर्वतीय विकास मंत्री पर्वत क्षेत्रों के लिए आपने काम किया, बहुत जाना माना चेहरा। वो भी मुझे रुद्रप्रयाग में उनसे मेरी भेंट होती है, कहीं ना कहीं वो भी अपने मिशन में लगे हुए हैं, क्या आगे लेकर के चल रहे हैं, क्या सोचते हैं, अभी भी वो समाज के बीच मुझे देखी गई समाज सेवा करती है। तो वर्तमान में पूछता हूँ कंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंडारी साहब, क्या बोलेंगे आप वर्तमान में जो आप अपने उसमें लगे हुए? मैंने बचपन से जन सेवा का संकल्प लिया हुआ है, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैंने अथक प्रयास किया, और जहाँ पर मैं विधायक रहा, चाहे मैं देवप्रयाग में रहा और चाहे मैं रुद्रप्रयाग में रहा, मैंने वहाँ की जनता की सेवा करने का पूरा संकल्प लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सही हो, यहाँ का चहुमुखी विकास हो, यहाँ पर यातायात की खूब सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्वरोजगार योजना होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, स्वरोजगार मिलना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। कंडारी साहब, हम दौरा कर रहे हैं, जो अभी सरकार ने लॉकडाउन हुआ है जिसकी, और जो धामों में लोग रहते हैं जीविका से जुड़े हुए हैं, होटल वाले, घोड़ी कंठी और कंडी वाले तमाम परेशान हैं, सरकार के द्वारा कोई स्पेशल कंपनसेशन की घोषणा नहीं की गई है, लोग बहुत परेशान हैं, उसको लेकर कुछ क्या बोलना चाहिए आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, होटल वाले इनकम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं, रोजगार था उनका, अपनी मैक्स चलाते थे, उनको भी रोजगार बंद हो गया है, जो प्रवासी भाई घर को लौटे हैं उनको सरकार रोजगार नहीं दे पाई। मैंने तो कहा था कि सरकार को चाहिए कि जो प्रवासी भाई हमारे घर आए हैं वापस, देश में और विदेशों में नौकरी करते थे, आज वे अपने जन्मभूमि में आए हैं, उनको स्वरोजगार देना चाहिए। भंडारी साहब, जहाँ तक वर्तमान की बात है, तो सरकार ने प्लान तो बहुत किए और प्लान दिखाए भी हैं, और आप तो पर्वतीय विकास मंत्री से लेकर प्रतिपक्षी से सब जगह रहे, क्या आप इसमें सरकार को सलाह देना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को सुबुद्धि मिले, हम कह रहे हैं यहाँ पर रोजगार के साधन सृजन कीजिए, यहाँ का चहुमुखी विकास कीजिए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ वर्तमान समय में जो सरकार उत्तराखंड में है और जो देश में है, दोनों सरकार जो है कोरोना के पीड़ितों को राहत नहीं दे पाई है, और हमारे देश की जनता की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसी सरकार निकम्मी सरकार है। मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को सबसे पहले तो रोजगार देना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नवयुवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अरे 2 करोड़ दीजिए, 100 तो दे दीजिए। भंडारी साहब, शायद ये थोड़ा मुद्दे, और आप इस सरकार में भी रहे हैं, दूसरे में भी रहे हैं, वर्तमान की बात करूँ ये तो सभी शायद ऐसे मुद्दे हैं, और यदि मैं धामों की बात करूँ, और यदि आपके दौरान भी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि जो पुराने नेता रहे हैं उनके द्वारा कोई ऐसा भी काम नहीं किया गया। गाँव में जब हम दौरा करते हैं, चुलू टिमरू और दालचीनी का पत्ता सड़ गल के ख़राब हो जाते हैं, इनके लिए व्यवस्था नहीं बनाई सरकार ने, जबकि फंडिंग देते, खच्चर गलून, भैंसे गलून सब लोग देते, इसको लेकर कुछ बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तराखंड के
पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ जड़ी बूटी है जड़ी बूटी का उत्पादन होना चाहिए, जहाँ चाय की खेती हो सकती है चाय का उत्पादन करना चाहिए, जहाँ पर मौन पालन संभव है वहाँ पर मौन पालन करना चाहिए, जहाँ पर मुर्गी पालन हो सकता है मुर्गी पालन करना चाहिए, जहाँ पर अंगूरा खरगोश है अंगूरा खरगोश का पालन करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जहाँ पर कपास हो सकती है, ये कृषि विभाग इसका अनुसंधान करे, सोच करे कि कपास की खेती को करेंगे तो हमको सूत काटने को मिलेगा, कपड़ा बुनने को मिलेगा, कपड़ा रंगाई करने का धंधा मिलेगा, अर्थात कहीं रोजगार हमको मिल सकता है। कंडारी साहब, 2022 से लेकर मैं चलूँ तो कई लोग हमें नाराज, अभी जो पार्टियां बाजार में काम कर रही हैं, बीजेपी कांग्रेस, कभी कांग्रेस का आना, कभी बीजेपी का आना, शायद दो सरकार आ रही, अभी आम आदमी पार्टी भी आ गई, बीएसपी भी एक्टिव है, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, क्या 2022 में कुछ चेंज होने के चांसेस हैं या राष्ट्रीय पार्टी ही फिर दिखेंगी? अगर मेरे दिल से पूछें तो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश हो गए हैं। मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, जो गैस का सिलेंडर सस्ता था पहले आज वो महंगा हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर जो है 400 में बिकता था वो आज 950 में बिक रहा है। हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी हो गई है, यहाँ पर रोजगार के कोई साधन सृजन नहीं किए हैं, तो बीजेपी से लोग नाखुश हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड का चौमुखी विकास कर सकती है। खंडारी साहब, ऐसे बताया जा रहा है मार्केट के सोर्स, जब मार्केट में जा रहे हैं कहीं ना कहीं हम आम आदमी पार्टी भी टक्कर देने वाली, क्या वास्तविक ऐसा होगा या फिर जहाँ तक कांग्रेस की बात करूँ बताया जा रहा मार्केट में पूरा जनाधार नज़र नहीं आता है, कहीं योगी और मोदी और अमित शाह का फैक्टर फिर दौड़ता है तो वो भी शायद काम करेगा, क्या आपको लगता है ऐसा? मोदी और योगी ये गए, दोनों ने जनता को गुमराह किया, इन्होंने भारत की जनता के और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक आध सीट ले आएगी तो ले आएगी, क्या उम्मीद है उस पार्टी की भी यहाँ पर उत्तराखंड में? बिल्कुल, मुझे तो लगता नहीं है कि उस पार्टी कोई, बसपा और आम आदमी पार्टी कोई सीट नहीं लाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल उमेश खंडूड़ी और सेमवाल जी काम करें लगातार बाजार में, कर्ण प्रयाग भी, क्या देख सकते हैं उनके चेहरे में? उत्तराखंड क्रांति दल तो भ्रांति दल हो गया। चले, और जनता का विश्वास वो खो चुकी है। कंडारी साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या 2022 में भी आप क्या अभी फिर काम कर रहे हैं बाजार में, देखे जा रहे हैं हम दौरा कर रहे हैं, बहुत नाम आ रहा, पहले से नाम था, क्या 2022 में भी आप ग्राउंड में उतरेंगे? मेरी तमन्ना है कि एक बार मैं पुनः फिर रुद्रप्रयाग की जनता की सेवा करूंगा। ये काम तो पार्टी का है, कांग्रेस का है कि मुझे टिकट देती या नहीं देती है, टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा, सेवा भाव के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पद के लिए नहीं। भंडारी साहब, पार्टी से ही लड़ेंगे या पार्टी यदि नहीं दी, जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया समीकरण, तो क्या फिर भी आप लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी का टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा। जनता की सेवा और ये दोनों शब्द अलग हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, आप आखिर अपनी जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम संघर्ष करें, हम अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाएं, अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को बदलें, यहाँ पर जड़ी बूटी का उत्पादन करें, यहाँ पर कृषि का नए ढंग से प्रयोग करें, यहाँ पर कपास की खेती करें, यहाँ पर फलों उद्यान लगाएं, फल पर आधारित उद्योग लगाएं, चाय की खेती करेंगे चाय पर आधारित। भंडार साहब, आप गाँव का दौरा करें, क्या लेके आप आजकल गाँव में जा रहे हैं? मैंने देखा कि वर्षा काल में पानी में कई प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं, तो मैं ब्लीचिंग पाउडर जो है प्रत्येक टैंक में डलवा रहा हूं ताकि स्वच्छ पानी मिले। जल ही जीवन है, जल संचय जीवन संचय का नारा मैंने दिया था। मैं एक चाहता हूं कि हमारी जनता को स्वच्छ पानी मिले और किसी प्रकार की बीमारी न फैले। खंडारी साहब, अमूमन आपके दौरान अभी भी एक डायलॉग चलता है, गढ़वाल की जवानी गढ़वाल का पानी काम नहीं आता, और हम कहते हैं गढ़वाल की जवानी गढ़वाल का पानी गढ़वाल का ज्ञानी भी काम नहीं आता है, क्या इस तर्क पर आप विश्वास करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि गढ़वाल का पानी, देखिए कितना पानी है इन नदियों में, मगर हमारी बस्तियाँ पहाड़ पे बसी हुई है, वहाँ पर पानी नहीं है, तो
पानी का संकट भी है, और जवानी इसलिए है कि जवान आदमियों को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि हम भी सत्ता में रहे हैं, मगर हमारी पाबंदी ये थी कि अपने अपने विभाग में हम काम करते थे। सिंचाई मंत्री रहा तो सिंचाई विभाग में कहा, पेयजल मंत्री रहा तो पेयजल मंत्री के रूप में काम किया, पर्वतीय विकास मंत्री जब था मैं तो तब मैंने जो है 95 हाई स्कूल, 95 इंटर कॉलेज और 95 आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाए थे, तो उनमें बोलिए कितने लोगों को रोजगार। भंडारी साहब, जो ज्ञानी की मैं बात कर, जिसको अच्छी नॉलेज में ज्ञान होता है, वो भी उत्तराखंड में नेटिक तक बनने के बाद या पहले, तो वो बाहर चला जाता है, उसको भी कुछ बोलेंगे आप? यहाँ के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, और उस बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए। उस बुद्धि का सदुपयोग हम यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की जनता के दुख दर्द को दूर करने की योजना बनाएं, ताकि हमारा ये उत्तराखंड जो प्रकृति की देन से सरसब्ज है, वो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो। और दूसरी बात मैं करूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को, जब हम दौरा कर रहे हैं कई जगह पर, तो पुराने जो मंत्री रहे, पुरानी जो सरकारें रही, उन्होंने काम तो किया कांग्रेस बराबर, लेकिन अभी जब हम दौरा करते हैं, चाहे वो फोर्टीज हॉस्पिटल हो, मैक्स हो, अपोलो हो, उन जगह पर जो दौरा कर रहे हैं, तो शायद उत्तराखंड का एक भी डॉक्टर नज़र नहीं आता है। हाँ, क्लर्क हैं, फोर्थ क्लास में हैं, तो इसका मतलब सरकार ने एजुकेशन में पूरा काम नहीं किया है, ये वजह हो सकती है। जब इंस्टीट्यूट की बात करो, जो IITian हैं या टॉप मोस्ट UPSC कराने वाले हैं, नीट कराने वाले हैं, LN, FITG, PI, आकाश, सारे तमाम इंस्टीट्यूट, FITG, दृष्टि, चाणक्य IAS अकेडमी, जहाँ दिख, वहाँ पर मुझे पढ़ाने वाले नज़र नहीं आते। आखिर शिक्षा बहुत कम, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ, इसको लेकर भी कुछ बोलेंगे आप? शिक्षा का स्तर आप गिरा हुआ बता सकते हैं, मगर यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे डॉक्टर भी बन रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के कई डॉक्टर जो है इन वादियों में काम कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब पहले से प्रगति हुई है। भंडारी साहब, बड़े हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं अपोलो और मैक्स और फोर्टी जैसी जगह जब विजिट करता हूँ, जीरो ग्राउंड की कवरेज है मेरे पास, वहाँ पर हमारे लोग बहुत कम देखे जाते हैं, तो इसका मतलब शिक्षा में पूरा काम नहीं हुआ। दूसरे में यदि मैं बड़ी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, या तीन लोगों लेके चलो बड़े एग्जामों की बात करूँ, वहाँ पर तो अभी धीरे धीरे बोलबाला बढ़ा है, तो कई जगह पर पूरी तरीके से दिखता नहीं है, तो इसका मतलब पुरानी जो सरकारें रहीं, कहीं ने इन फोकस पे काम नहीं किया, या वर्तमान की तरह नए नेताओं की तरह हवाबाजी में करते रहे, ऐसा तो नहीं, ऐसी भी जनता मानती है? ऐसा नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड के कई भाई और बहन डॉक्टर बने हैं, प्रशिक्षण लिया है उन्होंने, और फिर यहाँ की सेवा भी कर रहे हैं, अर्थात पहले से प्रगति हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, वो प्रगति अभी नहीं हुई है, अभी हमें और काम करना है। महिलाओं की यदि बात करूँ, महिलाओं की दशा की बात करूँ, चाहे मैं सती प्रथा की बात करूँ या नोबेल पुरस्कार की बात करूँ, 52 में से मात्र 5 महिलाएं हैं, और यदि मैं भारत रत्न की बात करूँ तो लगभग 48 दिए गए हैं और मात्र 5 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को लेकर के भी शायद सरकार ने पूरी तरीके से अभी काम नहीं किया, महिला बोला। यहाँ टॉप 10 में महिलाएं हैं, आती हैं, लेकिन अभी भी वो, यदि मैं UPSC की बात करूं, 990 में मात्र 250 महिलाओं ने UPSC निकाला। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि अभी महिलाएं पूरी तरीके से आगे नहीं आई, महिलाओं के लिए कोई रिजर्व ऐसा नहीं बनाया गया कि और आगे आएं, उसको लेकर भी कुछ बोलेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे, हमारी बहनें जो उत्तराखंड में निवास करती हैं, अगर उनके जीवन को हम देखें, जितनी वो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा के काम करते हैं, उसका प्रतिफल उनको नहीं मिलता है। अर्थात पढ़ाई में धीरे धीरे हमारी बहनें आगे आ रही हैं, मगर अभी और ज़रूरत है। मेरा ये कहना है कि महिलाओं की अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है, और महिलाओं को जो काम वो करती हैं वो ऐसा हो कि आसान काम हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करना चाहिए। ये खेती में हम रात दिन काम करते हैं, मगर हमको जो है दो पाथे अनाज के नहीं मिलते हैं, अर्थात ये सार्थक प्रयास नहीं है। कृषि में हम घाटे में काम करते हैं, हमारी बहनें घाटे में काम करते हैं, हमारी बहनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको कटिंग टेलरिंग का काम सिखाना चाहिए, वीविंग का काम सिखाना चाहिए, अर्थात छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधों को
उनको सिखाना चाहिए। खंडार साहब सरकार प्रयास तो करे, सरकार का एक पूरे देश में मुद्दा भी चलता है, एक डायलॉग चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, और हमारा मीडिया का अभियान होता है मेरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, क्या ये सरकार का मुद्दा होना चाहिए? इसे दो पॉइंट पर रुकना चाहिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये नारा मोदी जी ने दिया, और मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हम यहाँ के लोगों को सरसब्ज करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इस भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, इस गंगा को पवित्र गंगा बनाएंगे, मगर ये नारे ही रह गए हैं, विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल में विकास कार्य होने चाहिए और महिलाओं का चौहमुखी विकास होना चाहिए। चले कंडारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया शुक्रिया। ये है माधव सिंह कंडारी जी, और काफ़ी जब मैं बातचीत कर रहा था बहुत सारे मुद्दे मैंने बात की, बिल्कुल कंडारी साहब ने पूरा जवाब दिया। मैं सती प्रथा की बात कर रहा था महिलाओं को लेकर, और मैं नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा था, 950 में से अभी तक लगभग 52 को मिला है, भारत रत्न के लिए बात करो 48 बार में से 5 बार मिला है, और जिस क्षेत्र की बात चाहे बड़े से एग्जाम की बात करो, बड़े से छोटे एग्जाम में अभी भी धरातल पर कई काम नहीं हुए हैं महिलाओं को लेकर के, शायद सरकार को चाहिए कि इस बारे में प्लान बनाए। और वही लगभग कंडारी जी भी कह रहे हैं, बहुत अपने जमाने प्रसिद्ध रहे, काम किया आपने, 5 बार से ज़्यादा जीतना कोई खेल नहीं है, कहीं ना कहीं जमीन जुड़े अभी भी मुझे काम करते नजर आए। ये थे आदरणीय माधव कंडारी जी, प्रतिपक्ष नेता से लेकर तमाम रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जैसे नेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए मेरी सीधी रुद्रप्रयाग से जीरो ग्राउंड की सीधी बातचीत कंडारी जी से। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।